गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम कपकोट। कपकोट में हम रुके थे रात को, होटल सरियों में, ट्रांजिट होटल है। अगर कोई भी अरे कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पिंडारी ग्लेशियर। हाँ मतलब वैसे मेन रोड तो पिंडारी ग्लेशियर, अगर किसी को जाना हो तो भाई यहाँ पे ट्रांजिट के लिए रुक सकता है। होटल सरियों में जहाँ हम ठहरे ट्रांजिट के लिए ठीक है, रूम साफ़ सुथरे हैं और आप रात गुजार सकते हो बहुत आराम से, बहुत रीजनेबल इकोनॉमिकल रूम्स हैं। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे धुर के लिए, धुर, और हम जाएंगे अभी खाती विलेज। आगे पिंडारी जाएंगे कि नहीं ये अभी डिसाइडेड नहीं है, जैसे सब भाई लोग बोलेंगे वैसा ही करेंगे। तो अभी हमारी रेडर्स क्रू की टीम निकल रही है यहाँ से धुर के लिए। भाई कपकोट के बाद जिस रोड पे हम जा रहे हैं, कर्मी विलेज वाली रोड पे जा रहे हैं, इसके आगे के जो गूगल, हाँ मतलब कर्मी वाली रोड है, धुर जा रहे हैं तो आगे गूगल मैप्स पे ये रोड दिखाता ही नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं दिखाता। मतलब आपको अगर सर्च करना हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता है, आप लोकल विलेजर से पता करो कि ये मतलब रास्ते के लिए बार बार पूछते रहो, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। और अब शुरू हो गया नो रोड जोन, अब इसके आगे कोई रोड्स नहीं है भाई। ये जो आप हालत देख रहे हो ऐसी ही रोड मिलने वाली है, सामने देखो आप ये पहाड़ों की सिचुएशन, और ये रोड ऐसी ही मिलने वाली है। अब कोई रोड नहीं है, कोई गूगल मैप्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ भरोसा करना है, लोकल्स जो जा रहे हैं उनसे पूछते हुए चलना है और गलत रूट पे ना चले जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये हमारी गाड़ियाँ दोनों रेडर्स क्रू की। भाई ये रास्ते देख के स्पीति टूर की याद आ गई। स्पीति में भी ऐसे ही पहाड़ थे, पतली पतली सड़कें थी कई जगह पे, और सड़कें बिल्कुल ही टूटी हुई थी, जर्जर हालत में थे। और यहाँ पे फिलहाल इस रोड के ऊपर अभी सिर्फ गाड़ियों में, मतलब कार्स में हमारी दो गाड़ियाँ ही चल रही, बाकी तो ये ट्रक वगैरह तो कंस्ट्रक्शन का सामान जो लेकर जाते हैं वो हैं, बाकी कार्स दो ही हैं यहाँ पे। भाई ऐसे रास्ता समझना पड़ता है, यहाँ पे गूगल मैप्स कोई हेल्प नहीं करता, रास्ता समझने के लिए ऐसे किसी भाई को पकड़ना पड़ता है और वो समझाता है भाई। तो अभी जहाँ जिस भाई ने हमारे को रास्ता गाइड किया है उनकी दुकान से कुछ सामान ले रहे हैं भाई, और यहाँ पे अभी लोगों में इंसानियत बाकी है, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और जितना पॉसिबल होता है वो हेल्प करते हैं भाई। यहाँ पे भी शांति, कितनी शांति है यहाँ पे। और आप ये देखो कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, थोड़ा बहुत जो बस एक दो गाड़ियाँ हम लोगों की आई हुई हैं या जो कभी कभार आने वाले लोग हैं उन लोगों के ही गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उससे यहाँ पॉल्यूशन क्रिएट होता है, बाकी वैसे पॉल्यूशन है ही नहीं, नाम मात्र पॉल्यूशन है। और ग्रीनरी कितनी है, कितने पेड़ हैं ये आप देखो। यहाँ रुके हैं भाई, पीछे एक झरना बह रहा है, तो हमने प्लान ये किया है कि यहीं पे मैगी बनाएंगे, क्योंकि खाने के लिए अभी कुछ मिल नहीं रहा किसी भी ढाबे पे, ढाबे पे भी मैगी मिल रही है, तो जब मैगी खानी है तो हम अपना खुद ही बना के खाएंगे भाई। तो अब प्लान ये है कि यहाँ पे रोकेंगे और मैगी की तैयारी करेंगे। सामने दिखाता हूँ आपको झरना, ये देखो ये सामने झरना बह रहा है, एकदम फ्रेश पानी, स्रोत का पानी, अपने मयूर जग भी हम लोग भर लेंगे यहीं से। ये देखो भाई चिराग भाई को भी काटा है, सेम वैसे ब्लड निकल रहा है। और भाई ये है वो कीड़ा, ये वाला, ये इतने दांत है इसको पता नहीं लगता काटता है तो। ये देखो भाई ये देखो, ये सेम कीड़े ने कल दीपक भाई को, ना किसको, रोहित भाई को और आर्यन भाई को खाया था भाई। मैगी बन गई है रिवर साइड मैगी, ये देखो ये रिवर के साइड में हमने मैगी बनाई है और अब हम खाने जा रहे हैं। ये भाई सामने का नज़ारा देखो, ये पहाड़ों पे बादल आए हुए हैं, क्या शानदार नज़ारा है भाई, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे भाई चल रहा है चिनाई का, मतलब ये रोड को स्ट्रेंथन करने के लिए वॉल बना रहे हैं, पत्थर पड़े हुए हैं भाई, पत्थरों से रिटेनिंग वॉल बन रही है ये। कितने मुश्किल हालात में भाई काम करना पड़ता है यहाँ पे, छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी मेहनत बहुत लगती है भाई। यहाँ से भाई पिंडारी ग्लेशियर दिख रहा है, मतलब अब कैमरे में एग्जैक्ट क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बादल और पहाड़ अलग से आइडेंटिफाई करना शायद वीडियो में मुश्किल हो, मुझे मेरी आंखों से तो दिखाई दे रहा है कि वो सामने, बिल्कुल ठीक सामने ग्लेशियर दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है भाई, बहुत ही खूबसूरत।
वो हमारी गाड़ी देखो स्लिप करने लग गई वहाँ पे थार, और ये रोड रोड तो है ही नहीं, खैर अब तो ये बिल्कुल खड़ंचा है। ये देखो क्या खूबसूरत वाटरफॉल, मतलब ये भाई साहब प्रकृति की जो खूबसूरती है ना उसको देखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ऐसी जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे जो आबादी से कटके हो और अलग, बिल्कुल अलग हो। निकल गई हमारी थार तो निकल गई है, अब हम भी निकालेंगे वहाँ से, खींच के भी नहीं लूँगा, आराम से आराम से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल खांचा हो रखा है। भाई बिल्कुल ही रोड खत्म हो गई है, लगभग लगभग अब डेड एंड आने वाला है आगे। ओ भाई कहाँ जाना है, ऊपर? अच्छा ये तो डेड एंड आ ही गया सामने तो। ओके अब यहाँ भाई कोई रोड नहीं है, कोई हेल्प नहीं मिलेगी। अब आपकी दो गाड़ियां तो आप सरवाइव कर रहे हो क्योंकि दूसरी गाड़ी आपको मदद कर देगी, अदरवाइज 4x4 बगैर तो आनी मत, बिना 4x4 के तो भाई कोई नहीं आना। वहां से आ सकते हैं, चारों तक तो आ ही सकते हैं। क्यों भाई है? बिना 4x4 नहीं आना चाहिए ना? नहीं बिल्कुल नहीं आना चाहिए, जान से किलो हट क्या करें, बिल्कुल घूम जाओ। ये देखो हमारे साथ भाई दो बच्चे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, देश का नया, ये देश का भविष्य है। स्कूल जाने के लिए कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ती है, किन सर्कमस्टेंसेस में रोज इनको पैदल स्कूल जाना पड़ता है, नहीं घूमते लेकिन कोशिश नहीं छोड़ते, वापस नहीं घूमते कि नहीं आगे जाना पॉसिबल नहीं है तो हम वापस घूम जाएं यहीं से। कहने वाली दुनिया भड़काती है पर ये नहीं रुकते। सही बात है, ये रोज कोशिश करते हैं, रोज जाते हैं। रोज जाते हो ना बेटा स्कूल? हाँ। बिल्कुल बहुत बढ़िया, रोज जाना चाहिए बेटा। कौन से गांव से हो तुम? कौन से गांव से हो? अमुल्ला से है ये। खाती से भी आगे क्या? नहीं, ऊपर रुकने की जगह है कोई? कहाँ पे रुकना चाहिए? खाती से 5 किलोमीटर ऊपर एक जगह है। अच्छा वहाँ पे दो टॉप है, कौन कौन सा था? गाड़ी गाड़ी तो खाती से जाएगी, गाड़ी के बाद खाती से जाएगी, उसके बाद ट्रैक है करना पड़ेगा आपको, 5 किलोमीटर पड़ता है वाजिली, 3 किलोमीटर पड़ेगा पंखू टॉप, तो वो दोनों टॉप करके आ सकते हो, पर आज नहीं कल सुबह, कल सुबह निकलेंगे। ठीक है, थैंक यू भैया। थैंक यू भाई। एक मिनट का ना, एक मिनट। हाँ भाई सुनो, ये जो हमसे 2500 मांग रहा है, ये हमसे 4000 लेगा ये भाई हमसे। गाइड का काम करना, हाँ इनको गाइड का काम करना पड़ता है। भाई ने पी रखी है दिन में, फुल सेट है, फुल सेट है, बिल्कुल गाड़ी में जबरदस्ती भाई बैठ गया, 200 रुपए भी नहीं दे रहा। हमने इसको बोला भाई फॉर्चुनर से हम तेरे को खाती गाँव छोड़ रहे हैं तो भाई 500 रुपए देने पड़ेंगे। नहीं भाई अब नहीं उतारेंगे, जबरदस्ती भी नहीं है, अब तो फंस गया भाई, पैसे देकर ही उतरना पड़ेगा, या तो ये हमारी फ्री सेवा करेगा या पैसे देने पड़ेंगे। फ्री सेवा तो जब एक दिन का होता तो वो अलग बात है, आधे घंटे का होता है वो मानते हैं। मैं एसडीएम साहब को फोन मिलाऊं, अरे 4 दिन नहीं ले जा रहे ना, हम तो एक ही दिन ले जाएंगे, वहाँ तक जाएंगे हम। कौन सी जगह थी वो? पंखु टॉप तो भाई हमारे पास ही नहीं है, पंखु टॉप पे भी अब तो भाई ज्यादा 4000 हो गए। जैसे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो हम भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। मेरे भाई पंखु टॉप भी 4 भाई फुल सेट है, संतरा पी के, नींबू पी के, नींबू का पानी, नींबू का पानी, एल्कोहल नींबू, वो लगा लिया मसाला उसके ऊपर तो, मतलब अब ये क्या एक्स्ट्रा पावर आ जाएगी इससे सामने, एक्स्ट्रा पावर। एसडीएम साहब की गाड़ी सामने ही खड़ी है। ठीक है वो आए हुए, वो रे एसडीएम साहब आ गए, हम गलत नहीं बोल रहे भाई, बिल्कुल डेड एंड पर आ गए हैं, मतलब इसके आगे काम चल रहा है और आगे जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, रास्ता बंद सा ही है, पत्थर पड़े हुए हैं, बिल्कुल बंद दिखाई दे रहा है रास्ता, ये नीचे पेड़ पड़े हुए हैं, ये रास्ता बनाने के लिए देखो ये पेड़ वहाँ से गिरे होंगे या हटाए होंगे, जो भी हुआ होगा ये नीचे पेड़ पड़े हुए पूरे। भाई हम बार 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 फंस जाते हैं, हमें लगता है यहीं रास्ता ख़त्म हो जाएगा, फिर खोल देते हैं जेसीबी वाले, थोड़ा सा आगे भेज देते हैं, फिर बोलते हैं दो मिनट बाद कि रास्ता बंद है। अब भाई हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, हमें यहाँ रुकना है या हमें जाना है, कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा भाई। खाती गाँव तक तो जाके, मतलब खाती गाँव में तो जाके क्या ही करेंगे भाई, या तो आगे जाने का पूरा रास्ता खुला हुआ हो या फिर पूरा बंद हो। ये हमारे रेडर्स क्रू के सबसे हैवी ड्राइवर चिंटू जा रहे हैं भाई आगे का मुआयना करने। हाँ भाई चिंटू भाई, हैं
भाई साहब नाम रोशन करना क्लब का। चलो आगे नहीं पीछे से भी ठीक है, आगे तो जा रहे हैं दीपक भाई। तो भाई प्लान फाइनली ये हुआ कि चिराग भाई को जाना नहीं था ठीक है, और उसको कपूर को नहीं जाना था, हम लोगों को जाना था। बट किसी भी टूर का एंड मैं ऐसा चाहता नहीं था कि ऐसा एंड हो कि हम लोग एक साथ आए हैं तो अलग अलग वापस करें, इसलिए फाइनली डिसाइड ये हुआ कि वापस जा रहे हैं। तो हमने कोई ट्रैक नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब हम यहाँ से खाती गाँव के बिल्कुल जस्ट लास्ट खाती पहुँच गए थे बस, अब वहाँ से हमने वापस ले लिया और अब हम जा रहे हैं सीधा दिल्ली की तरफ, घर की तरफ। रास्ते में अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो एक स्टे ले लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट घर जाएंगे। भाई ये है वो खूनी कीड़ा जिसने अभी अभी दीपक भाई को काटा है, और देखो कितना खून पी लिया इसने भाई साहब। बस तो भाई अब हम पहुंच गए हैं बिनसर। बिनसर रुकने का प्लान तो है नहीं, ये रास्ता जा रहा है ऊपर बिनसर, जहाँ पहले एक बार बहुत साल पहले बिनसर रिट्रीट में गए थे। और चारों तरफ एकदम डेंस फॉरेस्ट है, ये देखो।